मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। कमलनाथ है कि मानते ही नहीं। चंद दिनों पहले ही कोरोना पर दिए अपने एक बयान पर फजीहत हुई तो अब एक ऐसा जुमला छेड़ दिया जिसमें देश ही बीच में आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में कह दिया कि भारत को अब की बार बदनाम देश कह दिया। पहले सुनिए ये बयान, फिर आगे की बात। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। सतना में कमलनाथ एक कांग्रेसी नेता की कोरोना से मौत पर परिवार की हिम्मत बढ़ाने गए थे, लेकिन न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भला कमलनाथ को घेरने का मौका बीजेपी कैसे छोड़ देती। मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये अधापतन की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि जरा भी गैरत हो श्रीमती सोनिया गांधी जी में, कांग्रेस में, तो कमलनाथ को पार्टी के बाहर करना चाहिए। शिवराज ने तो कह दिया कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से नहीं मानी। राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। सतना जिले के मैहर में जिस सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे, उस जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव किया। दलील ये कि इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहाँ देश के खिलाफ बयान देने वाले आए थे। घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? हालांकि बयान पर सियासी भूचाल के बाद शायद कमलनाथ को एहसास हुआ कि अब सफाई देनी भी जरूरी है। हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ, ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम FIR करेंगे। कमलनाथ अब लाख सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि संवेदनशील मुद्दों और आपदा में भी सियासी दल अवसर खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ शायद इस रेस में औरों से आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान पर बवाल मच चुका है। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया, जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपदा में सियासी हिसाब किताब पूरा करने में सिर्फ एक ही दल आगे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मौका भुनाने की कोशिश में है। वक्त की नजाकत यही है कि ये मौका साथ मिलकर चलने का है, तभी हारेगी महामारी, तभी हारेगी मौका परस्त सियासत। सतना से योगी तारा, भोपाल से रविश पाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ